मतलब जो गेट हैं वो बेसिकली बंद हो जाएंगे और 8 बजे आज रात को ये क्रूज हमें निकल जाएगा। तो यार ये ऊपर के फ्लोर पे एक और बढ़िया सा रूम है। तो लो भाई निकल लिए हम लोग दुबई के लिए, फटाफट चलते हैं। आज का यार बहुत ज्यादा टाइट रहने वाला है, तो बेसिकली लास्ट डे था तो इन लोगों को डिस्काउंट भी थोड़ा ज्यादा मिल गया, हम लोग को थोड़ा कम मिला। और इसी चक्कर में हम लोग भी वहाँ पे जा नहीं पाए। और इन्हीं घर में से किसी एक घर में, अंबानी का घर, शाहरुख खान के घर और भी बहुत सारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेस के घर से तो मैं फाइनली आ गए। और ये भी दिए सुनने के लिए, ये वाला चैनल है, इसके अंदर लगाओ और मजे से सुनो। अगर आपको कोई हॉलीवुड वाला फैन हो जाए तो जिसे हॉलीवुड मूवी से लेते हैं, टूर कार्ड में पार्टी आ जाए तो आप कहीं भाग भी नहीं पाओगे। बोले देखो यार जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर है और ये उड़ने वाला है जस्ट इंडिया में। तो हे भाई निकल, हे घुसा इधर। अगर आपको दुबई के अंदर कैमल राइड नहीं मिले लेकिन उसका मजा फिर भी लेना हो तो आप यानी बस ले सकते हो, क्योंकि इसमें मजा वो ही आता है कैमल राइड करने का। और यार दुबई मॉल में हमने आज ना मतलब कट टू कट वाला गेम हम लोग खेल रहे हैं, वो गेम्स होते हैं ना कट टू कट खेल रहे एकदम टाइम टू टाइम, आधे घंटे में वहां निकले वहां से। तो यार फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम में हम सभी लोग यहीं पे भटक रहे। कल तो भैया हमारी रॉल्स वॉयल खरीदी है यहाँ पे, पता नहीं कौन उठा ले गए। यहाँ से हम लोगों ने चॉकलेट्स ली हैं खूब सारी, बाकी अभी 200 ले रहे हैं। और अब बारी है आईफोन और बाकी चीजें को लेने की। सोचो यार क्या व्यू आता होगा, आप सुबह अपनी बालकनी से उठो, सामने समुद्र है, मजे यानी लाइफ। जल्दी जल्दी 50,000 करोड़ सब्सक्राइबर पार करा है। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए कमाल के फ्रेश व्लॉग के अंदर। दुबई के अंदर डे 3 और इस ट्रिप का आई प्रोबेबली डे 6 हमारा यहाँ पे चल रहा है। सो ये आज का हमारा लास्ट डे होने वाला है और हम लोगों को क्रूज पे वापस शाम को 4:30 बजे तक वापस आना है। और 4:30 बजे क्यों आना है, क्योंकि 5 बजे बाद हम लोगों के जो बोट्स हैं मतलब जो गेट हैं वो बेसिकली बंद हो जाएंगे और 8 बजे आज रात को ये क्रूज यहाँ पे निकल जाएगा। तो 2 दिन में जितना दुबई कवर हो पाया उतना आपको दिखाने की कोशिश करिए। आज हम लोगों को थोड़ा सामान लेना है तो वापस हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट यानी कि मीना बाजार पूर्व दुबई जाने वाले हैं, वहां से सारा सामान कलेक्ट करेंगे। और उससे पहले शायद हम लोग वो जो कल हमने बस से करी थी जिसमें पैसे थोड़े बर्बाद ही हुए हम लोगों के, उसको हम लोग आज पूरा ट्रैवल करने वाले हैं, उससे आज पूरा दुबई यहाँ पे घूमेंगे एंड फिर चलेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई होप आप सभी लोग ये ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। फ्यू मोमेंट्स लेटर तो चलिए फटाफट सामान अवेयर हो फिर ब्रेकफास्ट करने चलते हैं ऊपर। हाँ वो रात को यहीं पे भूल गया। तो लो यार बस हो गए सब लोग रेडी, आज का बेस्ट वियर ये और हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बाय गाइस चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। इंडिया में मिलेंगे, हाँ ये बात भी सही है, इंडिया में मिलते हैं अब। तो चलो यार हम लोगों का ब्रेकफास्ट यहाँ पे हो गया, चलो फटाफट चले अपना टाइम हो रहा है। तो अब हम लोगों का प्लान कुछ ऐसा है कि पहले हम लोग जाएंगे याच के अंदर। तो यहाँ पे जो पास में याच था इस तरफ है अभी, क्योंकि शिप पलट गया ना तो इधर का आपको व्यू अलग मिलेगा। तो याच में जाते हैं और याच में जाने के बाद हम जाते हैं मीना मार्केट, मीना बाजार उधर दुबई। हमने फोन खरीदने क्योंकि हम कल खरीद नहीं पाए थे, तो शॉप्स पता कर रहे थे तो वो भी हम लोगों को चेक करना है। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, फिर कुछ फोटो वोटो खिंचाते हैं दुबई म्यूजियम के, उधर तक चलते हैं, टिकट मिल गई तो हो जाएंगे, नहीं तो फिर वापस क्रूज पे आते हैं क्योंकि 5 बजे का ही टाइम है, तो कट टू कट शॉर्ट है। तो यार ये ऊपर के फ्लोर पे एक और बढ़िया सा रूम है, हम लोगों के पास बालकनी है वो इसके जस्ट नीचे वाला है। यहाँ पे बालकनी तो नहीं है लेकिन हाँ ये कुछ कांच लगा है जहाँ से आप व्यू तो मजे से ले ही सकते हो। एंड इसके जस्ट नीचे वाला रूम हम लोगों का है जहाँ पे बालकनी है और बालकनी के बाद आप ठंडी हवाओं के साथ ये पूरा पूरा व्यू इंजॉय कर सकते हो। हालांकि थोड़ा गंदा हो रहा है बट कोई बात नहीं, यहाँ पे बैठिए अपना कंटेंट शूट करिए। अगर आप एक क्रिएटर है नहीं है तो बैठ के आराम से चाय पीजिए और पूरा के पूरा व्यू एंजॉय करिए। तो लो भाई निकल लिए हम लोग दुबई के लिए, फटाफट चलते हैं, आज का यार बहुत ज्यादा टाइट रहने वाला है टाइम। हालांकि ये देख सकते हो वही टैंकर वापस आ गया है, वही पानी भर रहा है क्योंकि 10,000 गैलन का है ये वाला। और ये है अपना कोस्टा सेरेना जिससे अभी तक तो जाने का प्लान है, आगे पीछे का क्या होता है वो आगे पीछे समझ आएगा क्योंकि एकदम एक्शन में तो चल रही है सब चीजें, कौन सी भी बोलनी है। बाकी ये है एयरपोर्ट के इधर का सारा आइटम और वहाँ खड़ी अपनी बस, तो जो कल वाली बस में गए थे शायद उसी में जा रहे हैं हम लोग, वो क्या नाम था उसका, बिग बस करके, और घूमने वाली वो लाल कलर की जो थी ना, उसके अलावा जो एक डिजाइनर वाली थी
वो वाली। तो यार ये वाली जो बस है हम लोगों की, बिग बस दुबई जो आगे की तरफ खड़ी है, इसके अंदर एक छोटा सा करेक्शन है टाइमिंग में। एक्चुअली मैंने कल शायद 10 मिनट का बोला था, बट ये हर 10 मिनट में नहीं है, हर आधे घंटे के अंदर है। तो आई थिंक ये वाली 10 मिनट में, बट हम इससे नहीं जा रहे हैं। वो वाली जो बस आपको दिख रही है आगे, जो बिग बस दुबई करके लिखा हुआ है, ये वाली बेसिकली हमने बुक करी थी, और ये हर आधे घंटे में। तो अभी 10:30 बजे हमारी ये बस निकलेगी, अभी 10 बजे थे, अभी लगभग बात करते हुए 10:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो इससे निकलते हैं और फिर घूमते हैं। तो पहले हम लोग फ्यूचर म्यूजियम जाने का सोच रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या है टिकट के हिसाब, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत लंबी क्यू होती है मंथ्स ऑन मंथ की, तो मिलती है कि नहीं टिकट वो भी देखना पड़ेगा। बट चलो बस आ गई है और बस के अंदर अपन लोग बैठ के चलते हैं फ्यूचर म्यूजियम। तो लो यार हम लोग निकल गए हैं बिग बस से, तो ये वाली बस अभी तो नीचे बैठे हैं, क्योंकि एक स्टॉप के बाद चेंज करनी है, उसके बाद फिर हम ऊपर बैठेंगे। बट जनरली यहाँ पे देख सकते हैं, और देखो पैराग्लाइडर्स यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे। अब सारे शराब व्यूज यहाँ से भी देख लो। तो क्या वो उसे कंट्रोल करते हैं ना, और नीचे बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ पर बिल्डिंग में। नहीं तो मुझे लग रहा है कि वो ट्रेनर होगा ना उनके साथ, वो आगे जो कूदे, हाँ साथ में ट्रेनर रहता है, तभी तभी जाके वो कूद पाते हैं। ये देखो ये रहा पैराग्लाइडिंग करके आ रहा है, और जो ग्रुप है वो बेसिकली इसके अंदर है, चढ़ा है, सभी लोग यहाँ पर आए और हम मेरे घर से जा रहे हैं यहाँ पे। क्या प्याज सारे दोस्त वो अपने बीस और वहाँ पर अपना क्रूज है। तो बेसिकली लास्ट डे था, तो इन लोगों को डिस्काउंट भी थोड़ा ज़्यादा मिल गया, हम लोग को थोड़ा कम मिला था, यहाँ पर आए इस बीच में ज़्यादा पैसे चले गए, दस बार रूम के लिए पाया हमें, दिखाते हैं बाकी जगह फिर हम लोगों को भी क्या भी करना पड़ेगा। चलो भाई यार अपने भाग हम भागी होने लगी है सबकी, पता देखो सामने भाग के भी जा रहे हैं, डोंट बी लेट दुबई मन में है कुछ, चलो भागो भागो भागो। सुशील यहाँ, इसमें भी नीचे बैठना है, ऊपर चले, चलो भाई ऊपर चलते हैं। हाय गुड मॉर्निंग, चलो भाई ऊपर। हम लोग को मीना बाजार जाना है, तो बाजार जाने के लिए रेड लाइन लेना पड़ेगा। हाँ, अभी यहाँ से हम लोग को पहले वहाँ जाना होगा दुबई मॉल, दुबई मॉल जाने के बाद रेड लाइन चेंज करना। क्यों वहाँ नहीं जाना क्या, फ्यूचर म्यूजियम नहीं है, फ्यूचर म्यूजियम नहीं चलना क्या? हाँ उस वहीं से जाना होगा। नहीं नीचे ये थैंक यू नहीं सर है ही नहीं, सो रहा है, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, चलो चलो फटाफट आओ मजा आए। क्या भागम भागी हुई है। ओ भाई यार ट्रेन पा गई, ट्रेन अरे सुनो लगा के, तो मैं फाइनली आ गए, और ये भी दिए सुनने के लिए, ये वाला चैनल है, इसके अंदर लगाओ और मजे से सुनो, बाकी वॉल्यूम वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकते हो, व्यूज यहाँ से और बढ़िया आएंगे, ठंडी ठंडी हवा भी आएगी। तो लो यार मैंने फाइनली इसमें कनेक्ट कर लिया है, और अंदर जो ऑडियो वो भी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस है, जैसे कि पहले पे इंग्लिश है, दूसरे पे जर्मन है, रशियन, फ्रेंच, आपको जो भी चाहिए यहाँ पर आप अपना लेवल सेट कर सकते हो इस वाली जगह से। तो यहाँ पर है वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन, यहाँ पर आपको ये देखो इधर से ये वॉल्यूम कम हुआ, ये वॉल्यूम यहाँ से, ये यहाँ से इंक्रीज, चली गई यार कार में। तो हम लोग इस टाइम पे ना पाम आइलैंड के ऊपर आ गए हैं, और जहाँ पर आपको मोनो रेल्स भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे देख सकते हो कि कितना बड़ा है ये, और ये मेन मेनमेल आइलैंड है पूरा की पूरा, जहाँ पे कि आपको बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल सारी चीजें मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ सामने जो ऊपर डेक है वहाँ पे, जहाँ पे कि हमें ऑरा पुल देखने को मिलता है, जहाँ से कि आप पूरे दुबई का व्यू ले सकते हो वो भी तैरते तैरते, हालांकि वहाँ की भी टिकट मिलती नहीं है, तो हम लोग को भी मिली नहीं, और इसी चक्कर में हम लोग भी वहाँ पे जा नहीं पाए। तो ठीक है दुबई में जब वापस आएंगे तब चले जाएंगे, दुबई कौन सा दूर है, 3 घंटे अपना।
हमारे ये मोनो रेल की पटरी आ गई है और ये मोनो रेल की पटरी वहाँ सामने अटलांटिस तक जाती है, देख सकते हो सामने आपको अटलांटिस मिल जाएगा, तो वहाँ तक इसकी पूरी जाने वाली है। तो बाकी चलती बहुत धीरे है, तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, पाम आइलैंड आना है, तो आप इसके थ्रू आ सकते हो। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल घर है और इन्हीं घर में से किसी एक घर में अंबानी का घर, शाहरुख खान के घर और भी बहुत सारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेस के घर से जो यहाँ पे इन्हीं गलियों में उन लोगों ने ले रखे हैं, तो सारे बंगलों से घर भी नहीं बोलना बोलता रही है। तो देख सकते हो कि चारों तरफ किस तरीके की चीजें हैं। और अब हम लोग जाएंगे नीचे समुद्र के अंदर, क्योंकि नीचे से उठा हुआ पार करेगा। तो यार हम लोग समुद्र के अंदर आ गए, इसके पूरे ऊपर समुद्र है, हम लोग समुद्र के अंदर से यहाँ पे गुजर रहे हैं। आप देख सकते हो कि पूरा की पूरा व्यू कितना सही है और हमारे ऊपर समुद्र चल रहा है और पाम के अंदर इसमें घुस रहे हैं। यार दुबई में ना बहुत सारी होटल वाली चीजें बना रहे थे, अलग अगर यहाँ पे कोई हॉलीवुड वाला फैन हो जाए तो जैसे हॉलीवुड मूवी से देखते हैं फूट काट के पानी आ जाए तो आप कहीं भाग भी नहीं पाओगे क्योंकि आप समुद्र के बीचों बीच से पार कर रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ बोल रहा है और पाम आइलैंड से उसका आउटर रिंग है उसको जो रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हम लोग यहाँ से बाहर निकला है और बस ये हम लोग आ गए हैं एंड पॉइंट पे पाम जुमेरा के। आप सबको सामने समुद्र देखने को भी मिल जाएगा और इस तरफ अपने पास है एंटार्कटिस, तो अभी जैसे गाड़ी मोड़ते हैं हम वो भी चीज़ देखते हैं। तो ये देखो ये पूरा एंड आ गया, अपनी क्रूज कहीं इधर उधर होगी उस तरफ, और ये है पूरा वो रोड जहाँ से कि आप एंटार्कटिस जा सकते हो। हालांकि हमें बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं तो डिटेल्स भी पता पड़े, तो आप चाहो तो ऑडियो नोट ज़रूर लेना, इस बस में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस पूरा आइलैंड और दुबई के बारे में। तो दुबई के अंदर हमें सिर्फ अटलांटिस से ही देखने को मिलता है, बहुत सारी गाड़ियां मिलती है, बहुत सारी चीजें जो कि मिलेंगी, और ये बता रहे कि हो सकता है हमें यहाँ पे कोई डॉल्फिन भी मिल जाए, हो सकती है, पर डॉल्फिन तो मुझे लगता है कि मिलना चाहिए क्योंकि यार ये समुद्र का एकदम कोस्टल एरिया है और यहाँ पे डॉल्फिन जनरल सेंस में रहती नहीं, बट बोल रहे तो माइंड में मिल जाए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा उस चीज। और ये आ गया आपका स्टेशन मोनो रेल का, तो जब आप मोनो रेल से आओगे तो इस स्टेशन से आपको बोर्ड करना है, अनबोर्ड करना है, एंड माइट भी पॉसिबल है कि शायद यहाँ पर भी आपका जो नॉल कार्ड है वो चल जाए, अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको मतलब सारी चीज़ें इससे हो जाएंगी। फिलहाल में हम लोग अटलांटिस के अंदर आ गए, माइंड भी शायद कुछ फोटो वोटो खींचे मुझे पता नहीं है, बट देखते हैं अगर उतर पाते, अगर हम लोग यहाँ पे उतर पाते हैं फोटो वोटो खींचते हैं तो बढ़िया बढ़िया फोटोज खींचते हैं और आप लोगों को शेयर करते हैं। Few moments later. तो यार अटलांटिस से तो हम लोग निकल आए हैं, वापस यही सारे व्यूज आप देख सकते हो पाम के ऊपर के, लेकिन अब देखते हैं वो वाली बिल्डिंग जो हम अपनी बालकनी से बहुत देर से देख रहे थे और वो अब मेरे सामने है, तो थोड़ा बस को वहां पे जाने देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, तब तक आप एंजॉय करिए समुद्र के शॉट्स। तो जल्दी जल्दी चलो सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो और 50 लाख करोड़ पार सब्सक्राइब में पार करा दो, तो फिर मैं इस सारी बिल्डिंग में अपना घर ले पाऊंगा। तो यार यहाँ से देख सकते हो थोड़ी बहुत तो व्यू इसमें आ ही जाएगा। ये बिल्डिंग जब बन रही थी ना लास्ट टाइम तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, तो मैं सोच रहा था कि यार जब आएगी बनेगी तो मैं इसमें आऊंगा, इस बार आया पर टाइम का थोड़ा सा कंजेशन हो गया, बट कोई बात नहीं जल्दी वापस आएंगे और उस टाइम पे इस बिल्डिंग के अंदर घूमेंगे। तो यहाँ से देखो आप इस बिल्डिंग को, तो ये कुछ बिल्डिंग है और अभी हम लोग शायद ऐसे यूटर्न ले रहे हैं और वापस जा रहे हैं, तो यहाँ से अब आप देख सकते हो उस बिल्डिंग को। सोचो यार क्या व्यू आता होगा, आप सुबह अपनी बालकनी से उठो सामने समुद्र है, मजे आने लाइफ। जल्दी जल्दी 50,000 करोड़ सब्सक्राइबर पार करा है। तो लो आप अटलांटिस का व्यू अब आप पास से देखो, उस टाइम पे मैं ढंग से दिखा नहीं पाया था, बट यहाँ से अब आप प्यारा प्यारा व्यू देख सकते हो। ये देखो कितना प्यारा लगता है यार ये अटलांटिस, और वहां जो ऊपर बालकनी वाला व्यू है ना, बालकनी तो नहीं बोलूंगा पर एक लॉबी टाइप का आप उसको बोल सकते हो, वो सोचा यार उसमें रहकर कितना मजा आएगा। पर मुझे यार वो वाली बिल्डिंग ज्यादा पसंद है, पर एज अ होटल बात करें तो अटलांटिस में मजा आएगा, और एज अ बिल्डिंग अगर बात करें तो वाली बिल्डिंग रहने के लिए घर लेने के लिए सुपर। देखो यार जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर है और ये उड़ने वाला है जस्ट,
ये लो हेलीकॉप्टर्स। आलोक कभी कुछ दिन पहले आया था, इसी को इसी का वीडियो डाला हुआ। क्या बात है, क्या बात है, वो जा रहा। तो अगर आपको भी लगे कि हेलीकॉप्टर में राइड करना है तो ऊबर से बुक कर लीजिए। दुबई के ट्रैफिक की हालत आप भी देख सकते हो कि अच्छा खासा दुबई में ट्रैफिक भी लगता है, पर हाँ चल भी जल्दी देता है। पर लेन सिस्टम मस्त है, लाइन चेंज नहीं करता। हाँ ये जरूर है इंडिया में तो। हे भाई निकल, हे घुसा इधर, थोड़ा उसको भी अगर ढंग से प्लानिंग कर ले ना तो वहाँ पे भी अपना मैनेज हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई ओवरटेक, क्या रोड है भाई साहब, क्यू में चल रहे हैं उसी क्यू में। नई जगह पे आए हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं नाम है इसका सोक मदीनाथ जुमेरा। तो भाई जुमेरा का ही कोई पार्ट है, बस बस घुसने भी अंदर हमें बाहर की बाहर निकालती है। और इसी के जस्ट पीछे हमारे पास है बुर्ज अल अरब, जस्ट पीछे ही यार, यहाँ तो छुप गया थोड़ा सा, तो आगे की तरफ आते ये रहा बुर्ज अल अरब। और ये जो गोल गोल सा देख रहे हो ना यहाँ पे आप, इसके ऊपर अपन हेलीपैड, मतलब हेलीपैड एक्चुअली हेलीकॉप्टर को भी आप उतार सकते हो वहाँ पे। तो सही चीज बनाई है, आपके पास अगर हेलीकॉप्टर हो पर्सनल तो करवा लेना, ताकि भाई कि मेरे पे काम हो जाएगा। एंड यस वहाँ पे सोने का बना हुआ है, तो अंदर आपको बहुत सारा सोना ही मिलने वाला है होटल में। और सेवन स्टार होटल बेसिकली इसको बोलते हैं, पर है फाइव स्टार होटल। सेवन स्टार होटल तो वैसे वर्ल्ड में कोई भी नहीं है, बट आपको ठीक है एक नाम देने के सेवन स्टार होटल काफ़ी है। बाकी बैठे यार देखते हैं बस और कहाँ कहाँ ले जाती है। हम लोगों को जाना है बेसिकली म्यूजियम, फ्यूचर म्यूजियम, तो वहाँ तक देखते जा पाते हैं कि नहीं, या फिर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे बस में और बाकी चीजों में। भाई ये पूरा की पूरा देखो यार गार्डन क्या मस्त मेंटेन कर रखे हैं। हालांकि होर्डिंग्स भी इनके पास, जहाँ पे कि ये पूरा मतलब अपने वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं होर्डिंग्स के ऊपर अच्छे खासे, पर कितना बड़ा है खुद देखो ना, वहाँ से शुरू होके यहाँ तक आए हुए हैं। तो अगर आपको अपनी कंपनी के प्रमोशन कराने हो तो यहाँ पे लगवा लो बिलबोर्ड्स, मजा आ जाएगा, सब लोग देखते हुए जाएंगे। और कुछ कुछ तो लाइट वाले भी रहते हैं, बट सबसे बढ़िया तो ये व्यू है ये देखो। आप चाहो तो आप चिल भी कर सकते हो, दोपहर में बैठो खाना वाना ला के खाओ पिकनिक वाला। दुबई के अंदर कैमल राइड नहीं मिले लेकिन उसका मजा फिर भी लेना हो तो आप यानी बस ले सकते हो, क्योंकि इसमें मजा वो ही आता है कैमल राइड करने का। फिलहाल में हम लोग दुबई मॉल जा रहे हैं, तो दुबई मॉल के लिए एंट्रेंस जो है यहाँ से आ गए हैं। और यहाँ पर है ना उसकी बस पार्किंग है, ये यहाँ पे देख सकते हो, तो वहीं पे ये बस हम लोगों को छोड़ने वाली है। तो लास्ट टाइम भी याद होगा तो मैं यहीं पे उतरा था, और यहाँ से फिर ये पार्किंग जो है नीचे से इसको पार करते हुए दुबई मॉल के अंदर गए थे, और हमने देखा था अपने पास बुर्ज खलीफा। तो अभी फिलहाल में हम लोग जा रहे हैं वापस, कुछ फोटोज ले रहे थे क्योंकि रात के फोटो थे, दिन के फोटो लेते हैं और फिर निकलते हैं अमल मीना बाजार के लिए। अभी फ्यूचर मुझे लास्ट में रुक जाइए। सर ये ईयरफोन आपको वापस देने हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको दूसरा बस में भी सुनना है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो यार लो हम लोग उतर गए, फाइनली आ गए। और जैसा उन्होंने बताया कि यार वो अभी ईयरफोन नहीं देना है, फिलहाल में हम दूसरी बस में उसको सुन सकते हैं, बट हम लोग तो यार शायद उसमें जाए और फिर निकलेंगे इधर, तो एक बार वो कंफर्म कर लेता हूँ उनसे। तो यार ये वाली हम लोगों के सामने है जॉइंट वाली बस, मैं यहाँ पे देख सकते हो जॉइंट रहता है, तो इससे डबल हो जाती है यहाँ पर। और हम लोग वहाँ से आए हैं क्योंकि बस स्टैंड है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है और फिर हम लोग मॉल के अंदर जाएंगे यहाँ से। तो यार ये वाला एक्सीलेटर से हम लोग ऊपर आ गए, अब दुबई मॉल के एंट्रेंस हमारी एकदम स्ट्रेट है, ये देख सकते हैं दुबई मॉल हम लोगों के पास आ गई है, और यहाँ से सीधे निकलते हैं। हालांकि अब नॉर्मल पार्किंग है तो आप पार कर सकते हैं जैसे सभी लोग कर रहे हैं,
हम लोग भी इस पार्किंग को पार करके दुबई मॉल के अंदर ही घुसते हैं, फटाफट फोटोस लेते हैं, निकलते हैं मीना बाजार के लिए। फिर तो लो यार फाइन इसे आ गए हम लोग यहाँ पर इस वाले गेट के अंदर। वाओ तो लो यार सब लोग फटाफट दुबई मॉल के अंदर आ गए, देख रहे हैं आप देख रहे हैं स्क्रीन उसकी सब लगाए और सामने है दुबई एक्वेरियम, वही जिसको कि हम लोग कर यहाँ पे देख रहे थे। बाकी यहाँ से फटाफट से चलते हैं, इधर से बाहर निकल जाएंगे और वहाँ से हम लोग आउट हो जाएंगे। बाकी दुबई मॉल है तो यार बहुत बड़ा, जिसके अंदर हम घूमेंगे करेंगे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हम लोगों का जाने वाला, बट हम सिर्फ फोटो लेना है, फोटो लेंगे और निकलेंगे। तो लो यार फाइनली वो एप्पल की शॉप थी, वहाँ से एक्सीटर लेके नीचे की तरफ आ गए। अब यहाँ से अपन निकलते हैं, एग्जिट करते हैं बाहर की तरफ और वहाँ पे जाके अपने को मिलेंगे अच्छे अच्छे फोटोज जो कि कल नहीं मिल पाए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अभी हालांकि कोई खास भीड़ नहीं है तो अभी ले लेंगे। तो बोलते रहा था मैं कि रास्ता यही वाला है, कल इतनी भीड़ थी आपको नहीं दिखेगा, मैं बोलते रहा था इधर से आ जाइए आ जाएगा। तो ये लो यार भुज खलीफा पे आ गए, मतलब इसके नीचे आ गए खलीफा पे तो क्या ही आएंगे। ये रहा भैया हाईएस्ट बिल्डिंग अपना, और लेते हैं इसके फोटो शूटो एंड इसी के साथ ही अपना फोटो शूट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कैमरामैन सबकी फोटो लेते हुए अपना कार्य कर रहे हैं और सब लोग अपने पोजेस दे दे के फोटोज यहाँ पे ले रहे हैं। तो यार जब भी आप भुज खलीफा की तरफ आते हो तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा शानदार सा व्यू यहाँ पे देखने को मिलता ही मिलता है, और ये सेकेंड टाइम जब मैं आया हूँ यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अभी तो दिन में आया तो बहुत ज़्यादा व्यूज है। इसके साथ बात अगर करें तो ये है बेसिकली वो लेक जहाँ पे शाम को फाउंटेन शो होता है, और यहाँ पर आप देखोगे तो इधर कोई डुबकी लगा रहा है ऐसा लग रहा है। आई थिंक वो क्लीनिंग कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे सारी बोट्स वोट्स चलती हैं। रात को हम लोग वहाँ पे थे जहाँ पे पूरा लाइटअप था एंड आप देख सकते हो ये रहा वो एप्पल स्टोर अपने पास और ये रहे अपने पास भुज खलीफा। कर हम लोग रात को उस पॉइंट पे थे, अभी इधर आ गए हैं तो यहाँ से देखते हैं हम लोग। सब लोग अपने फोटोज ही ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो स्ट्रीट मिल रहा है हमें। तो लो यार जो ये फाउंटेन शो का जो पूरा तालाब है इसके एंड पॉइंट तक तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और अभी क्योंकि सूरज हमारे इधर है तो पीछे का जो व्यू है आप लोगों को बहुत ही अच्छा आने वाला है यार। इट्स ऑसम यार, सुबह के टाइम में आ जाओ, भीड़ ज़्यादा रहती नहीं है, आराम से फोटो वोटो निकलेंगे और ये प्यारा सा व्यू आपको मिलेगा। तो लो भाई भुज खलीफा के हमारे सारे फोटो शूट्स निपट चुके हैं, बस थोड़ा बोला वीडियो यहाँ पे बना रहे। और यार दिन में तो क्या क्या चमक रहा है, सूरज देखो एकदम तप रहा है, तो उसमें एक अच्छी खासी चमक हमें देखने को मिल रही है। अब फटाफट निकलते हैं कहीं और जगह पे और फिर निकलते हैं यहाँ से, बट यहाँ पे आके जो आपको चिल माहौल मिलता है ये कहीं और नहीं मिलेगा, खास तौर पे भुज खलीफा। तो चलो यार निकलते हैं, ये है अपनी एप्पल स्टोर, फिलहाल में बंद ही दिख रही है एंड बाय बाय भुज खलीफा। तो ये रहा यार वो सारा आप देख सकते हो क्रिसमस के लिए यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं मॉल के अंदर वो बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। सामने है अपने पास क्रिसमस ट्री ये वाला जो कि कल भी मैंने बताया था। तो ये रहा भैया क्रिसमस ट्री, देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है, और दिन में तो यार ये और अच्छा लग रहा है, नाइट में भी अच्छा लग रहा था पर दिन में भी अच्छा तो लग ही रहा है, तो कोई इशू नहीं है। बाकी क्रिसमस पर यहाँ पे ऐसी तैयारी होती रहती है, तो अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हो दुबई मॉल या कहीं पर भी तो मैं कहूँगा कि आप क्रिसमस के टाइम पे आओ, सबसे बेस्ट आपको यहाँ पे क्रिसमस पे ही चीज़ें मिलेंगी क्योंकि डिस्काउंट्स भी मिलेंगे एंड लाइटिंग मिलेगी जहाँ पे कि आप इंजॉय कर सकते हैं हर एक छोटी चीज़ को। ये देखो यार एक और गजब का क्रिसमस ट्री उन्होंने यहाँ पे बना रखा है, इसमें लाइट्स लगाई है बहुत सारी यार, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये लुई वुइटन का शोरूम भी है साथ में, हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर ये लगे हुए हैं तो उनके थ्रू हम लोग पार्किंग के लिए निकलेंगे। तो लो भैया अपना जो दुबई मॉल का पूरा काम था वो निपट गया, अब बस के लिए हमें जाना है तो हम अपना एक्सीलेटर ले रहे हैं और हम लोगों के लिए जो बस है वो यहाँ पर पार्क है, तो यहीं पर हम लोग उसके अंदर बैठेंगे और अपना काम कर लेंगे। यहाँ से क्रॉस ओवर है तो फटाफट चलते हैं इधर से। और यार दुबई मॉल में हमने आज जाना, मतलब कट टू कट वाला गेम हम लोग खेल रहे हैं, वो गेम्स होते हैं ना कट टू कट खेल रहे एकदम टाइम टू टाइम, आधे घंटे में वहाँ निकले वहाँ से, 12:30 ऑलरेडी हो चुकी है, 4 बजे तक हमें शिफ्ट पे भी जाना है एंड बहुत सारी जगह जाना है, काम ही काम है, तो वो भी यार फटाफट कवर करते हैं और कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, क्लियर कर लो उसको। और यार ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना ये है मछली बिल्डिंग, जी हाँ मछली बिल्डिंग इनको बोलते हैं। ये दो जो बिल्डिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाली बिल्डिंग है ना 3D प्रिंटिंग से बनाई है, 3D प्रिंटर से, दुबई फ्यूचर एकेडमी। लो भाई ये आ गया अपना फ्यूचर ऑफ म्यूजियम,
क्या सही दिख रहा है यार, यहाँ से बाहर देखो और इसके पीछे की ट्रेन है ऊपर का, क्या बात है भाई क्या बात है। अगर इसकी एंट्री की बात करें तो यहाँ से एंट्री की, तो आप अगर बस बस से आ रहे हो तो ये वाले रूट है, और इस रूट से आने के बाद आप यहाँ पर इसकी एंट्री कर सकते हो, तो बड़ा सिंपल तरीका है। और फ्यूचर म्यूजियम आप दुबई में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो लो अब हम फ्यूचर म्यूजियम के फ्रंट में आ जाए और अपना स्टॉप भी आ गया। तो लो यार, हम लोग बस से तो उतर आए थे और ये है हमारे सामने फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम, जहाँ पे यार हम अभी जाते नहीं सकते क्योंकि टिकट हमारे पास है नहीं, और इसका टिकट हमें मिलने भी नहीं वाला, 6 महीने की वेटिंग लिस्ट यहाँ पे डली हुई है। तो कोशिश यही करते हैं कि यहीं से कुछ फोटोज ले लें और उसके बाद निकलते हैं बाहर की तरफ। तो अगर फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम की बात करें तो वहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, और उस वाले ऑब्जर्वेशन डेक से आप आजू बाजू के जो नज़ारे हैं उनको भी एक अच्छे से देख पाएंगे। बट ये इतना बड़ा है कि मतलब आप समझ सकते हो कि इसके अंदर 5 से 6 फ्लोर है, जो कि फ्यूचर को दर्शाता है, जिसमें कहने लगे बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको रोबोट्स, आप अपने और भी जो चीज़ें हैं जैसे जेनेटिक्स, बहुत सारी स्पीशीज एंड बहुत कुछ है। अब मैं अभी तो नहीं जा पाया, लेकिन हाँ अगर अगली बार मैं कभी आता हूँ और इसकी टिकट मिल जाती है तो डेफिनेटली जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि अंदर यहाँ पे क्या क्या है। Few moments later. तो लो यार, फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम में हम लोगों ने अपने खूब सारे फोटोज यहाँ पे खींचे लिए हैं, और फिलहाल में तो यहीं पे भटक रहे हैं क्योंकि बस का वेट कर रहे हैं। बस आ जाए तो हम बस से जाते हैं। अब हमें बस मीना बाजार और जाना है, वहाँ पे जितने काम लोग निपटाते हैं, फिर वहाँ से कैब वैब लेंगे और फिर निकलेंगे हम लोग अपनी क्रूज के लिए। लेकिन एक झलक और देख लो इस प्यारे से फ्यूचर म्यूजियम की, जो कि एक आर्किटेक्चर का एक नायाब नगीना ही कह सकते हो यार। मतलब दुबई के अंदर जो बिल्डिंग्स है ना, उनके मैं क्या ही बोलूँ, मतलब क्या सोच के मैंने क्या क्या बनाते हैं, और एक अलग ही लेवल का आर्किटेक्चर है जो हमें दुबई के अंदर बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यार कब से बस का वेट कर रहे थे, बस तो आई नहीं, तो हम लोग यहाँ थोड़ा आगे चल के आ गए। यहाँ पे ना थोड़ा सा इन्होंने पानी जैसा बना रखा है जिसमें आप इसका मिरर देख सकते हो, और ये है एकदम क्लोज अप शॉट, ये है मेन एंट्रेंस, और इसके ऊपर आपको मिलता है फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम। तो यार फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम में हम सभी लोग यहीं पर भटक रहे हैं, बस यार बस आ जाए उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है, यहाँ से निकले फटाफट, नहीं तो फिर यहीं भटकेंगे और फोटोज खींचते रहेंगे। तो आखिरकार इतना इंतजार हम लोगों ने किया बस का, और हम बाहर ही जा रहे थे कि यार बस यहाँ नहीं मिल रही तो बाहर ही चलते हैं, बट लो यार फाइनली बस आ गई, अभी अपने स्टॉप पर रुकेगी तो हम लोग इसको यहीं पर रुकवा लेते हैं, और चलो यार चलते हैं इसमें। अरे राज भाई चलो चलो, छूट जाओगे, हाथ भी नहीं दे सकते इसमें तो हम आपको, दौड़ो 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 जल्दी। बात करें तो ये है भैया ओल्ड दुबई, और यहाँ पर भी हमारे जो कैंपस है बैठते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे कपड़े मिल सकते हैं, पुराने टाइप के कपड़े मिलेंगे, और अंदर की तरफ आप घूम सकते हैं, आपको कैफे से बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी। हम लोग बेसिकली यहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है, तो अगर आप घूमना चाहो तो यहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो लो भाई लोगों, फाइनली हम लोग आ गए मीना बाजार, बस ने हम लोगों को वहां पे उतार दिया था। ये म्यूजियम है बेसिकली, और इसी के जस्ट पीछे था वो ओल्ड वाला दुबई जो मैंने आपको बताया था ना, तो आप यहां से पैदल भी आ सकते हो, और यहीं पे जस्ट इसके इधर ही जो है ना आपरा भी चल रही है, तो अगर आपको इधर से मतलब मीना बाजार से दुबई क्रिक की तरफ जाना हो तो उसमें भी आप जा सकते हो, वहाँ पे शायद 1 दिरहम 2 दिरहम में आपको वो लोग छोड़ देते हैं वहाँ पे। एंड ये है पुराना वाला म्यूजियम दुबई का, यहाँ पे आप चीजें देख सकते हैं, आप नाम देख पाओगे अल फहीदा फोर्ट, और ये है दुबई म्यूजियम। तो अल फहीदा फोर्ट के पहले वहाँ पे आपको बस उतार देती है, तो चलो यार रोड को क्रॉस कर लेते हैं। ओके तो लो यार फाइनली मीना बाजार आ गए, फटाफट अपना सामान लेते हैं और फिर निकलेंगे अपने क्रूज के लिए। तो लो यार फिर से हम लोग घुस आए हैं मिनी इंडिया के अंदर, वो भी दुबई में। अब ऐसा फील आएगा जैसे इंडिया में है, बस रोड थोड़े साफ है और बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी बेटर है। ये कल्याण ज्वेलर्स और ये मालाबार गोल्ड्स की, और पीछे का बहुत सारे चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं। हम लोग देखते हैं आईफोन लेते हैं तो फटाफट ले लेते हैं,
और यहाँ पर भी यार वो स्कैम के कार्ड सब है ना नीचे पड़े हुए, और पीछे की तरफ तो थे, यहाँ पे आगे आता तो दिखाता हूँ, ये कोई है ना, तो इन स्कैम से भी बच के रहना। कल भी एक स्कैम मैंने बताया था यहाँ पे कैसा होता है, ये दूसरा स्कैम है जो कि स्पा के नाम पे आपका यहाँ पे होता रहता है। कल तो भैया हमारी रॉयल्स वाली खड़ी थी यहाँ पे, पता नहीं कौन उठा ले गए। अब आ गए हम सिटी चॉइस से खुशी में, अब रॉयल्स वाली नहीं तो आईफोन ही सही। तो यहाँ सिटी चॉइस के पास में हम शॉप पे आ गए थे जहाँ पे कि बहुत सारा आइटम मिल रहा है, आप देख सकते हैं ये भी, और चॉकलेट्स है वो जो कि किलो के भाव में मिलती है यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा है। हम लोग भी अपने लिए पैक करवा रहे हैं जो भी यहाँ पे खाने पीने, बाकी यहाँ पर भी आपको ढेर सारी चॉकलेट्स मिल जाएंगी, और ये सारी कैमल मिल्क से बनी हुई है, और ये वाली जो चॉकलेट्स हैं ये अलग अलग है, कुछ डेट्स से बनी है, कुछ इस तरीके की, और बहुत बड़ी शॉप है यहाँ की जहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल चीज़ें मिलेंगी। तो अपने लिए थोड़ा सा पैक करा रहे हैं और देखते बता पाऊँ कौन कौन से हमने करवाई है। तो लो भाई हम लोगों की शॉपिंग तो हो गई, मैंने 1 किलो की चॉकलेट्स ली है यहाँ से। एंड अगर हम लोग दुकान की बात करें, वैसे तो यार मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश आने वाली है यहाँ पे। तो ये वाली दुकान है ये नूर अल हर के पास में है, अरेबिक में पूरा लिखा हुआ है बेसिकली, और सिटी चॉइस की जस्ट पड़ोस वाली दुकान है। तो यहाँ से हम लोगों ने चॉकलेट्स ली हैं खूब सारी, बाकी अभी 200 ले रहे हैं, और अब बारी है आईफोन और बाकी चीज़ें को लेने की। तो ये वाला आईफोन है यार जो यहाँ से बाय किया है, 1 TB का है, और इसका बिल विल तो सब मैंने आपको बताया है, बाकी बहुत सारा आइटम है जो और भी बाय करना था, बट फिलहाल में यार हम लोगों के पास अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, तो एक आईफोन एक अल्ट्रा वॉच बस लिए और निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोगों का क्रूज का भी टाइम हो रहा है। तो लो यार भाई हम लोगों ने हो गया हमारे यहाँ से शॉपिंग, सिटी चॉइस से जो भी आइटम ले रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स वो तो हो गए, अब यार कपड़ों की दुकान पे जाते हैं वो करते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि थोड़े से कपड़े भी नहीं लेते हैं बाहर हैं, तो यहाँ पर कि किस तरीके का डिज़ाइन और बाकी सब चीज़ें मिलेंगी। बाकी अभी तो ये आईफोन और वॉच लेके खुश है, कपड़े में अगर कुछ मिल जाए, क्योंकि हम लोग वो मॉल में देख रहे थे तो वहाँ तो 23,000 तक जा रही थी 4-5 शर्टें, या थोड़ा बहुत अगर डिस्काउंट मिलता है सेम ब्रांड की मिल जाती है ना, इट्स अ गुड आइडिया टू गेट टी शर्ट्स। तो फिलहाल मैं ये वाली एक शॉप है फिट स्पॉट जो कि सिटी चॉइस से ही थोड़ा पास में थी, यहाँ पे आए हैं कपड़ों के लिए, तो सर कुछ कपड़े ट्राई कर रहे हैं, हालांकि डिज़ाइन वाइज देखो तो अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं जो पूरे कपड़ों के डिज़ाइनर जो है। अभी फिलहाल में हम लोग बाहर ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को तो शायद कपड़े लेने नहीं है, बट ठीक है अगर कुछ जमा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर निकलते हैं, वैसे भी लेट हो रहा है, हम लोगों को तो कैब ही करनी पड़ेगी अपने यहाँ से जाने के लिए। तो यार दुबई की मीना बाज़ार में बात करें तो ये जो मिनी पंजाब होटल है जहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया था उसी वाली गली से थोड़ा आगे आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको इसके कवर्स मिल जाते हैं, तो अगर आपने कोई आईफोन लिया है तो उसके कवर्स को आप वहाँ से यहाँ से भी परचेस कर सकते हो, शॉप में भी जा सकते हो, अलग अलग रेट आपको मिल जाएगा, तो डिफरेंट रेट्स है जो कि मिलते हैं। हालाँकि हम लोगों ने अभी दूसरी दुकान पर पूछा तो जो आईफोन का रेट था वो हम लोगों को 70 धिरम वहाँ पर सस्ता मिल रहा था, तो सिटी चॉइस पे कहीं ना कहीं 70 धिरम ज़्यादा चले गए, उसका भी अफसोस हो रहा है थोड़ा सा यार, चीज़ें क्या ही बोले, पर ठीक है इंडिया से कंपेयर कर रहे तो फिर भी बहुत सस्ता है। हालांकि यहाँ पे और भी स्टोर्स हैं, जैसे ये सामने जहाँ पे जा रहे हैं सर, तो वहाँ पर शायद आईफोन के कवर्स को ढूंढ रहे हैं, तो उसको जाके चेक करते हैं उस शॉप में कि कैसे कवर वहाँ पे मिलते हैं, क्या प्राइस में मिलता है। तो यार ये गली में कल्याण जंक्शन के पास में जो शॉप थी जहाँ से कि सभी थोड़ा सा आइटम है, और देखते हैं कि दूसरे आइटम्स अपने को कहाँ मिले, वो 1-20 वाली धर्म शॉप में गए। तो बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे जो अलग अलग सामान यहाँ पे सेल ऑफ करते हैं, वही यार मीना बाज़ार अपने यहाँ के जैसे बाजार से वैसे ही है, क्योंकि पूरा इंडियन ही है, इंडियन के आपको कपड़े कुर्ते वर्ते सब मिल जाएंगे, हालाँकि वही आप प्राइजेस भी देख सकते हैं 50-70 dirhams के कुछ समथिंग है, और यहाँ आके तो लिटरली नहीं लगता कि हम कहीं और आए, ऐसा लगता है कि मिनी इंडिया के अंदर ही आए हुए हैं। यार हमारी शॉपिंग वॉपिंग तो सारी चीज़ें हो गई हैं, फटाफट हमें निकलना है क्रूज़ के लिए, बट यार टैक्सी नहीं मिल रही, कब से खड़ा हूँ कम से 10-15 मिनट हो गए यहाँ पर, शायद थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, और इन लोगों की पता नहीं शॉपिंग कब खत्म होगी। चलो यार फाइनली ये लोग आ गए आ गए आ गए बाहर आ गए कम से कम, अब हम फटाफट टैक्सी ढूंढते हैं और निकलते हैं अपने क्रूज के लिए, ताकि लेट ना हो, क्योंकि वहाँ पे भी चेक इन में बहुत लंबी लाइन लगने वाली है। तो दुबई में देख लो पल्सर गाड़ियाँ भी चल रही हैं, मेजोरिटी ऑफ द पल्सर गाड़ियाँ करीम के अंदर यूज़ हो रही हैं, चूँकि फूड डिलीवरी के लिए यूज़ हो रही हैं, और यार ये टैक्सी के अंदर है यार सामान रखा, तो आई थिंक किसी की खड़ी थी पर सामान रखा हुआ यार, तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं, आगे चल के देखते हैं कि कौन सी मिलती है। बहुत देर से हम लोग टैक्सी को परेशान हो रहे हैं और इधर आ गए हम लोग सिटी चॉइस के पास में कि यहाँ से मिल जाए, बट यहाँ पर मिलने के बाद ऑनलाइन भी उसने कदम ने कैंसिल कर दिया है, अब देखते क्या करना है, वापस से बुक तो करिए, हाथ दे रहे तो रोकने को तैयार नहीं है। तो ये देखो ये लोग भी अभी जा रहे हैं, तो लो यार फाइनली अब अपनी टैक्सी आ गई, आई होप कोई वाली हो जो हमने बुक करी थी,
4 करके होना चाहिए। ओके चलो 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 फाइनली आ गई है टैक्सी, अब हम लोग घर पर क्रूज पर फटाफट पहुंच जाएंगे। फाइनली यार पहुंच गए ऑन द टाइम, अब देखते हैं बस अंदर भीड़ ना हो, एंट्री पे निकलेंगे। और इसका बिल कितना हुआ? 85.50। ओके तो लो यार अब इस जगह को भी बाय बाय कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो निकलने वाले हैं अपने घर के लिए। एंड ये टैक्सीज मस्त है यार, करीम से बुला लो या फिर डायरेक्ट कर लो या हाथ दे लो, टैक्सीज को रोको पर हाथ देने में रुकती नहीं, ऑनलाइन बुक करने में ज़्यादा समझदारी है। तो ये देखो यार, ये है अपना शिप कोस्टा सेरेना, और उससे महाभयंकर बड़ा शिप ये सामने की तरफ है जो कि यहाँ पे आके लगा है। हम लोगों ने तो देखा ही नहीं यार, ये कब लग गया, सुबह शायद अपन डायरेक्ट निकल गए ना बस से, हाँ तो ध्यान नहीं दिया अपन लोगों ने, पर क्या बस है, होंगे शायद इससे भी बड़े बड़े शिप, बट ये भी ओके है। तो लो भैया दुबई हार्बर पे फाइनली अपनी चेकिंग्स हो गई हैं सारी की सारी यहाँ पर, अब चलते हैं अपन बोट करने के लिए क्रूज में। ठीक है रही रखा थे सारा सामान, लो भाई फाइनली क्रूज में आ गए, मिशन कंप्लीट। तो लो यार हमारा रूम तो नीट एंड क्लीन कर दिया है स्टाफ ने, एंड ये मौका फिर बार बार नहीं मिलने वाला है, तो क्रूज से इस व्यू को एक बार फिर से एंजॉय कर लो। हालांकि हमारा क्रूज आज रात को निकलने वाला है तो अंधेरा हो जाएगा, फिर हम इस व्यू को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं अच्छी खासी हवा तो चली रही है और आप खुद देख सकते हो कि कितना प्यारा व्यू है। हालांकि आज सुबह जब अपन वहां पे गए थे तो वो जो एटलांटिस है, जो बिल्डिंग है, उन सबको ऑलमोस्ट कवर कर ही दिया है, बट इस व्यू को आप इंजॉय करो, मैं भी इंजॉय करता हूँ, एंड देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें रात को देखते हैं कि रात को और क्या प्रोग्राम होते हैं, शिप पे भी अगर कुछ प्रोग्राम होंगे तो उनको अटेंड करेंगे, बट अभी तो हमें अपने पासपोर्ट नहीं मिले फिलहाल में, शायद मुंबई जाएंगे तब मिलेंगे। तो अगर आप भी क्रूज से आ रहे हो तो पासपोर्ट ऑब्वियसली सबमिट करके जाओगे। कोस्टा का जो कार्ड था शिप का, बस उसी से हम भटक रहे थे सारी जगह, और ऐसा किसी ने मांगा करार भी नहीं तो हमने दिया भी नहीं, तो कोई टेंशन भी नहीं, लेकिन आप इंजॉय करो इस प्यारे से व्यू को। तो लो यार यहाँ पे रात भी हो गई है और रात के नज़ारे भी देख ही लो, क्योंकि अब ये नज़ारे दोबारा पता नहीं कब मिले, खास तौर पे इस प्यारी सी क्रूज के। ये देखो छोटी सी यहाँ पे नाव चल रही है, ये वही नाव है जिसमें मैं पहले बैठा था लास्ट टाइम जब दुबई आया था, तो मैंने इसी टाइप की कह सकते छोटी क्रूज में खाना वाना खाया था, गाने वाने चले थे और सारी चीज़ें इंजॉय करी थी। और ये व्यू है कुछ ना कुछ आप देख सकते हो दुबई का, एंजॉय इट। तो लो भाई रात तो हो गई थी, क्रूज अभी भी कहीं गया नहीं है और हम लोगों को भी थोड़ी भूख लग गई थी, बाकी राज भाई थक गए तो वो सो रहे हैं, और मैं और बाकी सब लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए, तो बाकी सब लोग तो चले गए, मैं ही रह गया हूँ। तो फटाफट चलते हैं खाना वाना खाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या चीज़ें करनी है। बट आप लोगों के लिए ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अगले दिन से अगले नए व्लॉग्स को एंजॉय कर पाए। एंड दुबई का जो हमारा ट्रिप था वो बेसिकली यहीं पे एंड होता है, क्योंकि अब हम दुबई नहीं जाएंगे, हम इस क्रूज से वापस मुंबई यहाँ पे जा रहे हैं, तो क्रूज के व्लॉग आप लोगों को वहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। सो आई होप दूसरी वीडियो सभी को पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं मिलता आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।